दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी बन चुका है। इस वजह से सभी सीमाएं बंद हो चुकी है। जिन्हें घूमना पसंद है, ये समय उनके लिए बहुत कठिन है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जिन्हें आप हमारी वीडियो में देख के लॉकडाउन में घूमने का एहसास कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वियतनाम हैंग सेंग डुंग, दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक। यह गुफा 2009 में अस्तित्व में आई। करीब 5 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी इस गुफा के अंदर बेहद ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। मिस्र का गीजा पिरामिड, यह दुनिया का सबसे पहला अजूबा भी माना जाता है। बताया जाता है कि इन पिरामिडों के अंदर राजाओं के शवों को दफनाया गया था। मिस्र के गीजा पिरामिडों की सच्चाई जानने के लिए कई प्रकार की खोजें भी की गई है। चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पत्थर और मिट्टी से बनी चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। 8,800 वर्ग किलोमीटर लंबी इस दीवार के ऊपरी भाग तक पहुंचने के लिए हर किसी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्वे, केजराग हिल्स। गर्मियों में घूमने के लिए नॉर्वे का शहर बहुत ही खास है। पहाड़ों के बीच आई दरार के कारण नॉर्वे बोल्टन बॉर्डर का नजारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ आप बोट में बैठकर इस खूबसूरत जगह को देखेंगे तो एक नई दुनिया का एहसास होगा। अमेरिका नियाग्रा फॉल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पर बने इस वाटरफॉल की खूबसूरती को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका के 167 फीट ऊंचाई पर बहने वाला ये वाटरफॉल सर्दियों में जम जाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।